हे दोस्तों, हम कितने भी अमीर हो जाए, फेमस या पावरफुल हो जाए, जब तक हम चीजों को लेकर बहुत ज्यादा फिक्र करेंगे तब तक जिंदगी हमें उतनी अच्छी नहीं लगेगी जैसी लगनी चाहिए। क्योंकि ज्यादा वरी करना स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सी ऐसी चीजों को पैदा करता है जो हमारे लिए जरा भी अच्छी नहीं है, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। और इन चीजों के आने के बाद अगर हमें दुनिया की सारी अच्छी चीजें भी मिल जाएगी तो भी हम अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। नेपोलियन और हेलेन केलर इस बात को प्रूफ करने की परफेक्ट एग्जाम्पल है। नेपोलियन के पास हर वो चीज थी जिसकी एक नॉर्मल इंसान सपने देखता है, फेम, पावर, पैसा सब था। फिर भी सेंट हेलेना नाम के आइलैंड पे नेपोलियन ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने जिंदगी के कोई 6 दिन भी खुशी से नहीं बिताए। जबकि सेम जगह हेलेन केलर, जो कि ब्लाइंड, डेफ एंड डम थी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। अब अगर हेलेन केलर बिना वरी किए 78 ईयर्स खुशी से जी सकती है अपनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ, तो हम क्यों नहीं। ज्यादा वरी करना हम पर बहुत इंपैक्ट करता है। एलेक्सिस कैरल, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर है, उन्होंने कहा, पीपल हु डू नॉट नो हाउ टू फाइट वरी डाई अर्ली। डॉक्टर ओ एफ गोबेरॉन, जो कि एक चीफ फिजिशियन है, उन्होंने बताया कि 70% पेशेंट्स जो फिजिशियंस के पास आते हैं वो अपने आप को खुद ही ठीक कर सकते हैं अगर वो बस अपने फियर और वरीज को खत्म कर दे तो। एक स्टडी में 15,000 पेशेंट्स को एग्जामिन किया गया जिन्हें स्टमक डिसऑर्डर्स थे। उन्हें एग्जामिन करने के बाद पता चला 5 में से 4 पेशेंट्स की बीमारी का कोई भी फिजिकल रीजन नहीं था, बल्कि उनके फियर, वरी, हेट, सेल्फिशनेस, ये सारे रीजंस बन गए थे उनके पेट की बीमारियों के। बहुत से फेमस डॉक्टर्स कहते हैं स्टमक अल्सर्स, जो कि जान ले सकते हैं, हार्ट डिजीजेस, कुछ टाइप के हेडेक्स, इंसोम्निया और कुछ टाइप के पैरालिसिस, ये सब और कोई रीजंस नहीं, बस हमारे ज्यादा वरी करने से होता है। अब ये सारी चीजें आपके लिए मोर देन इनफ होनी चाहिए ये बात समझने के लिए कि वरी करना हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। अ मैजिक फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग वरी सिचुएशंस। विलिस एच कैरियर एक इंजीनियर थे। उन्हें एक बार एक फैक्ट्री में गैस क्लीन करने वाले डिवाइसेस को इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए कंपनी के मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग गए थे। पर ये प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद कैरियर को पता चला कि उनके इंस्टॉल किए गए डिवाइसेस कंपनी को किए गए गारंटीड वादे पूरे नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉस की जिम्मेदारी पूरी कैरियर पे आ गई थी। वो अपने इस फेलियर से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। वो इतना फिकर करने लगे थे कि उन्हें नींद आना बंद हो गई थी। बट फिर उनकी कॉमन सेंस ने उन्हें याद दिलाया कि उनका फिकर करना सिचुएशन को ठीक नहीं करेगा। सो उन्होंने एक टेक्निक निकाली अपनी इस वरी की प्रॉब्लम से डील करने के लिए, और ये टेक्निक इतनी असरदार निकली कि वो उसे आज भी यूज करते हैं मोर देन 30 ईयर्स से। ये टेक्निक में 3 सिंपल स्टेप्स है जो आपको भी याद रखने हैं। स्टेप 1, बिना डरे और पूरी सच्चाई के साथ ये पता करो कि एट द वर्स्ट केस, बुरे से बुरा इस प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ क्या हो सकता है। कैरियर ने जब ये सोचा तो उन्हें पता चला कि उनके इस फेलियर के लिए उन्हें जेल या फांसी तो नहीं होगी, बट हाँ, उनका मार्केट में नाम बहुत खराब होगा और $20 मिलियन जो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के साथ इन्वेस्ट किए थे वो पूरे डूब जाएंगे। स्टेप 2, वर्स्ट केस पता चलने के बाद आप उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लो। कैरियर ने अपने आप से कहा कि ठीक है, अब अगर ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करके अपना नाम बना लूंगा और एम्प्लॉयज को समझा दूंगा कि ये एक्सपेरिमेंट कॉस्ट था हमारे गैस साफ करने की न्यू टेक्निक को टेस्ट करने के लिए। वर्स्ट थिंग एक्सेप्ट करने के बाद कैरियर को बहुत ही ज्यादा सुकून मिला, जो उन्हें बहुत टाइम से नहीं मिला था। स्टेप 3, जब वो बुरे से बुरी चीज मेंटली एक्सेप्ट हो चुकी हो तो फिर आप उस वर्स्ट को बेटर या और अच्छा कैसे कर सकते हो इस बारे में सोचो। अगेन कैरियर ने चीजें एक्सेप्ट करने के बाद ये सोचना स्टार्ट किया कि वो कैसे उस $20,000 के लॉस को कम कर सकते हैं। उन्होंने बहुत से टेस्ट किए तो उन्हें पता चला कि अगर वो अपने डिवाइसेस में $5,000 का और काम कराएंगे तो उनके डिवाइसेस बराबर काम करने लगेंगे। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि $20,000 लॉस होने के बजाय उन्होंने $15,000 का प्रॉफिट करा दिया, ये सॉल्यूशन निकाल के। कैरियर कहते हैं कि अगर वो ये 3 स्टेप फॉलो नहीं करते और बस फिकर करते रहते तो उन्हें ऐसा रिजल्ट कभी नहीं मिलता। ये टेक्निक हमारे लिए भी बहुत काम की है, क्योंकि जब आप वर्स्ट आउटकम को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका दिमाग एक जगह से दूसरी जगह जाके परेशान होना बंद कर देता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। पर जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी प्रॉब्लम को, आपका दिमाग आपको खाता रहेगा और कुछ अच्छा आउटकम नहीं मिलेगा। अभी अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कैरियर की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी और उनकी लाइफ की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो उनके लिए एक और ट्रू स्टोरी है। अर्ल पी हैनी नाम के आदमी को ड्यूडिनल अल्सर्स थे। डॉक्टर्स जिनमें स्पेशलिस्ट भी थे, उन्होंने हैनी को जवाब दे दिया था ये बोल के कि उनकी बीमारी का इलाज नहीं है और उनका बचना इम्पॉसिबल है। आप सोच ही सकते हो ये सुनके उनपे क्या बीती होगी। वो बहुत परेशान रहने लगे थे।
पर फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जबकि मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, क्यों ना मैं इस टाइम को एकदम बेफिकर होके खुशी से बिताऊं और एकदम खुल के जीऊं। उनका सपना था कि वो मरने से पहले वर्ल्ड टूर पे जाए, सो उन्हें वही करना सही लगा। उन्होंने शिप की टिकट बुक की। डॉक्टर्स ने उन्हें वार्न किया कि अगर वो गए तो वापस नहीं आ पाएंगे और उनकी बॉडी समुद्र में ही डाल दी जाएगी। हैनी को अपने शहर नेब्रास्का में ही दफन होना था, सो वो अपने साथ अपनी कॉफिन लेके गए, उसे शिप वाले को दे दिया और एग्रीमेंट रखा कि अगर वो मरते हैं ट्रिप पे तो शिप वाले उनकी बॉडी वापस लेके आए। ये अरेंजमेंट करने के बाद वो एकदम बेफिक्र होकर ट्रिप पे चले गए। उन्होंने बिना सोचे समझे जो दिल किया वो खाया और पिया, बड़े बड़े सिगार पिए, गेम्स खेले, नए दोस्त बनाए, रात रात भर जाग के मस्ती की, गाने गाए, ऐसे तूफानों में इंजॉय किया जो जानलेवा थे। और फिर पूरी ट्रिप खत्म होने के बाद जब वो वापस आए तो उनका 90 पाउंड वजन बढ़ गया था। वो भूल ही गए थे कि उन्हें स्टमक अल्सर्स हैं। सरप्राइजिंगली वो एकदम ठीक हो गए थे और उसके बाद उन्होंने आगे एक हेल्दी लाइफ खुशी से गुजारी। यहाँ हैनी ने भी यही सेम टेक्निक यूज की थी जो कैरियर ने यूज की। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम का वर्स्ट आउटकम पता कर लिया, फिर उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद ट्रिप पे जाके अपनी सिचुएशन को थोड़ा बेटर करने की कोशिश की, वो भी बिना फिकर किए। अब अगर वो ये पता चलने के बाद कि मैं मरने वाला हूँ बस फिकर करते रहते तो डॉक्टर्स की बात सच निकल जाती। पर उन्होंने अपनी फिकर खत्म करके लाइफ का मजा लिया जिसने उनकी जान बचा ली। काउंट योर ब्लेसिंग्स। मान लो कोई आदमी आके आपको 5 करोड़ रुपए दे और कहे मुझे अपने दोनों हाथ काट के बेच दो, तो क्या आप बेचोगे? अगर वो आपको 5 करोड़ और दे और बोले अपनी दोनों टांगे भी काट के दे दो, बहुत सारे और पैसे दे और बोले अपनी आंखें, कान, दूसरे बॉडी पार्ट्स भी दे दो, तो क्या आप दोगे? जहां तक मुझे लगता है होपफुली आप नहीं दोगे और ना ही मैं दूंगा। सो इससे हमें ये पता चलता है दैट हम ऑलरेडी कितने अमीर हैं। हम ऑलरेडी उन चीजों के मालिक हैं जिनकी वैल्यू हमारे लिए करोड़ों से भी ज्यादा है, जो कि है हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी और हमारा टाइम। बट स्टिल सोचने की बात यह है कि हम कुछ लाखों रुपए की मटेरियलिस्टिक चीजों को ओन करने के लिए अपनी इन सबसे कीमती चीजों को हद से ज्यादा प्रेशर पे डालते हैं, पनिश करते हैं और उसे एकदम खराब कर देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप सक्सेसफुल बनने के बारे में ना सोचो, पर इतना ध्यान दो कि आप सक्सेस पाने के चक्कर में अपनी हेल्थ और बॉडी को ना खराब कर लो। बिकॉज कितनी भी बड़ी सक्सेस क्यों ना मिल जाए, बिना हेल्थ के वो कोई काम की नहीं होगी। हमें उन चीजों के बारे में सोच के सैड नहीं होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है, बल्कि वो सारी अच्छी चीजें जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको सोच के अच्छा फील करना चाहिए। ये एक प्रिंसिपल है जिसने मेरी जिंदगी तो बहुत आसान कर दी है। मैं जब भी किसी चीज को लेके वरी करने लगता हूं तो ये सोचता हूं कि यही सेम टाइम कहीं दूर ऐसे भी लोग हैं जिनके सामने उनकी पूरी फैमिली को जान से मार दिया जा रहा होगा। ऐसे कितने सारे लोग भी हैं जो प्यासे होंगे और उनको पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा होगा। ऐसे कितने लोग भी हैं जो भूख से इतने तड़प रहे होंगे कि मिट्टी खा के अपना पेट भर रहे होंगे। और मैं यहाँ इतना सेल्फिश हूँ जो अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की फिकर करके सैड बैठा हूँ। हम सब अपनी प्रॉब्लम से परेशान होकर लाइफ को कोसते हैं, पर यकीन करो कोई इंसान जिसको पता होगा दैट उसकी लाइफ का आज आखिरी दिन है, अगर आप उससे कहोगे मेरी जिंदगी और उसकी सारी परेशानियां तू ले ले, तो वो खुशी खुशी आपकी सारी प्रॉब्लम्स ले लेगा और फिर भी दुनिया का सबसे खुश इंसान होगा। अगर आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या वरी से दूर रहना है तो एक हैबिट बना लो और कम से कम दिन में एक बार अपनी लाइफ की सारी अच्छी चीजों को गिनने की कोशिश करो और उसके लिए ऊपर वाले का शुक्र करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा आप अपनी सोच से कितने ज्यादा अमीर हो। डोंट अलाउ योरसेल्फ टू गेट अपसेट ऑन स्मॉल थिंग्स। रॉबर्ट मोर ने यह बात तब सीखी जब वो 276 फीट पानी के नीचे एक सबमरीन में फंसे हुए थे। वॉर का टाइम था, उनपे जैपनीज माइंड लेयर अटैक कर रही थी जो उनकी कभी भी जान ले सकती थी। तब मौत को एकदम पास देखकर वो सोचने लगे कि कैसे वो पहले छोटी छोटी बातों पे फिकर किया करते थे जब वो पहले बैंक में काम करते थे। उनकी लंबी ड्यूटी, कम सैलरी, खुद का घर ना होना, एक खुद की कार ना खरीद पाना, ये सब तब उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती थी। पर अब जब वो मरने वाले थे उन्हें समझ आया कि वो सब फिकर कितनी बेतुकी थी। और तभी उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि अब अगर वो जिंदा बच गए तो वो कभी इतना वरी नहीं करेंगे किसी भी बात को लेकर, कभी भी नहीं। उन्हें वो चांस मिल गया और वो वहां से बच निकले और फिर उसके बाद उन्होंने कभी भी अपना खुद का किया गया फिकर ना करने का वादा नहीं तोड़ा। मोस्टली हमें चीजें जितनी बड़ी लगती है एक्चुअली में उतनी बड़ी होती नहीं, हम बस सोच सोच के उसे बड़ा बना देते हैं। मुझे याद है मैं पहले अपने सेलफोन में अच्छे अच्छे सॉन्ग्स और फॉरवर्ड मैसेजेस जमा करता था। मैंने काफी सारे सॉन्ग्स और मैसेजेस जमा किए थे जो मुझे बहुत पसंद थे। एक दिन मेरा सेलफोन खराब हो गया और मेरा सारा डेटा उसमें से उड़ गया। इस बात ने मुझे इतना परेशान कर दिया था कि मुझे एक बीमार इंसान जैसा फील होने लगा था।
आज जब मैं वो बात सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती है, पर तब वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हम ऐसी ही बहुत सी स्टूपिड बातों को लेकर फिकर करने लगते हैं जो उतनी फिकर करने के लायक ही नहीं होती। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी बात को लेकर फिकर करो तो अपने आप से पूछो, क्या ये सेम बात को लेकर मैं कुछ साल बाद भी फिकर करूंगा? और अगर नहीं तो अभी ही फिकर करना बंद कर दो। अबाउट ऑल द वरीज वी वरी अबाउट नेवर हैपेंस। 500 साल पहले माइकल डी मोंटेग ने कहा, मेरी जिंदगी बहुत सी परेशानियों से भरी है, ऐसी परेशानियां जो कभी रियल में होती ही नहीं। एक रिसर्च से पता चला है कि 85% बातें जिसकी हम फिकर करते हैं वो एक्चुअल में कभी हमारे साथ होती ही नहीं, और जो 15% होती है उसमें से 79% बातें फिकर करने के लायक नहीं होती। मतलब टोटल 97% बातें जिसकी आप फिकर कर रहे हो वो और कुछ नहीं, बस आपके दिमाग का डर है जो आपको परेशान कर रहा है। सो अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जिससे आप इस अननेसेसरी वरीज को खत्म कर सकते हो। उनमें से एक है कि आप जितना हो सके अपने आप को बिजी रखो, बिकॉज इंसान कितना भी समझदार हो वो दो चीज एक साथ नहीं सोच सकता। सो जब आप बिजी रहना स्टार्ट करोगे तो आपको फिकर करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और बिजी भी ऐसे काम में रहो जिसमें आपकी क्रिएटिविटी और प्लानिंग यूज हो। एक और चीज जो आप कर सकते हो वो है थिंक एंड एक्ट चीयरफुल। जैसे हम एक साथ दो काम नहीं कर सकते, वैसे ही हम एक साथ दो चीज फील नहीं कर सकते। मतलब आप किसी बात को लेकर एकदम ज्यादा एक्साइटेड और उसी टाइम में किसी दूसरी बात को लेकर एकदम ज्यादा सैड एक साथ नहीं हो सकते। आप जब भी टेंस फील करो तो मुस्कुराओ और ऐसा एक्ट करो कि आप खुश हो। ये करने से आपको रियल में अच्छा फील होने लगेगा। बिकॉज हम अपनी फीलिंग्स को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अपने एक्शंस को कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपकी एक्शंस और आपकी फीलिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो जब आप ऐसा एक्ट करोगे कि आप अच्छा फील कर रहे हो तो आपको रियल में अच्छा फील होने लगेगा। ये कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से बताई है, जिसने लिटरली मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी आसान कर दी है स्ट्रेस वरीज डिप्रेशन को खत्म करके। लाइक करें अगर आपको ये बात काम की लगी, अपने व्यूज कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को सबके साथ ताकि दूसरों की लाइफ भी थोड़ी और ब्यूटीफुल हो सके। सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसी नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।